हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे डीडी फ्री डिश पर एक नया अपडेट आया है, जिसके बाद अब हमारे डीडी फ्री डिश पर द क्यू यह एक नया चैनल ऐड हो चुका है। लेकिन अभी तक आपके डीडी फ्री डिश पर द क्यू यह चैनल ऐड नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जो सेटिंग अगर आप आपके डीडी फ्री डिश पर करते हैं तो उसके बाद आपके डीडी फ्री डिश में द क्यू यह नया चैनल ऐड हो जाएगा। लेकिन वह सेटिंग जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो लास्ट तक वॉच करना होगा, फिर आपको बाद में पता चलेगा कि आप कैसे आपके डीडी फ्री डिश पर द क्यू यह चैनल ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे ऐसे ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे और आप हमेशा आपके डीडी फ्री डिश पर ऐसे ही नए चैनल ऐड करते रहे। तो आपको आपके डीडी फ्री डिश पर नए चैनल ऐड करने के लिए, यानी कि आपको आपके डीडी फ्री डिश पर द क्यू यह चैनल ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। टीवी रिमोट का मेनू बटन दबाने के बाद अब आपको प्रोग्राम सेटअप में जाना है। प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम में जाना है। ऐड न्यू प्रोग्राम में जाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो अब आपको यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी है, जो फ्रीक्वेंसी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करने के बाद आपके डीडी फ्री डिश पर द क्यू यह चैनल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर LNB फ्रीक्वेंसी में 09750 टाइप करना है, उसके बाद उसके आगे आपको फिर से 09750 टाइप कर देना है। अब आपको नीचे ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11171 टाइप करना है। ट्रांस फ्रीक्वेंसी यह बहुत ही ज़रूरी होती है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11171 टाइप करना है। इसके बाद अब आपको नीचे सिम्बॉल रेट में 29500 टाइप कर देना है। सिम्बॉल रेट टाइप कर देने के बाद अब आपको नीचे पॉलरिटी में वी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे 22K में ऑफ कर देना है। 22K में ऑफ कर देने के बाद ठीक उसके नीचे आपको फिर से ऑफ कर देना है। अब आपको मोड में ऑल है तो उसे कन्वर्ट करके आपको फ्री कर देना है। और उसके बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को आपके डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है। इस फ्रीक्वेंसी को आपके डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देने के बाद अब आपके डीडी फ्री डिश पर नए चैनल लोड होने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपके डीडी फ्री डिश पर द क्यू यह चैनल भी आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप आपके डीडी फ्री डिश पर द क्यू चैनल ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि हमारे ऐसे ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।